हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय का प्रभाव हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और बीजेपी की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी ने जातिगत राजनीति को फिर से उजागर कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो जाट समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, पर हार के बाद कांग्रेस के भीतर ही उंगलियां उठने लगी हैं। कई नेताओं का मानना है कि हुड्डा ने अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी, जिससे पार्टी कमजोर हुई और नॉन जाट वोटरों का विश्वास खो दिया। चुनाव परिणामों के बाद राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की कि पार्टी के कुछ नेताओं ने संगठन के बजाय अपने व्यक्तिगत हितों को ऊपर रखा। चुनाव में बीजेपी ने जाटों की सरकार के मुद्दे को भुनाकर नॉन जाट समुदाय में असंतोष पैदा किया, जिससे कांग्रेस कमजोर पड़ी। बीजेपी ने स्थिति का फायदा उठाते हुए नॉन जाट वोटरों को साधा और चुनावी जीत हासिल की। कांग्रेस नॉन जाट वोटरों को आकर्षित करने में असफल रही, जिससे पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और बढ़ गई। हुड्डा और उनके बेटे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है और पार्टी में जाट बनाम नॉन जाट की खाई गहरी होती जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब जाटों को चौधर पर सवाल उठे हैं। इतिहास में चौधरी छोटू राम पर भी जाट राज के समर्थन का आरोप लगा था। उन्होंने इसे स्पष्ट किया था कि लोकतंत्र में जिस समुदाय की संख्या अधिक होती है, उसे उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 1929 में जाट महासभा में उन्होंने जाट समुदाय के राजनीतिक अधिकारों की पैरवी की थी। आज भी हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय का प्रभाव और जाट नॉन जाट संघर्ष गहरी राजनीति विभाजन रेखाएं खींच रहा है, जिसका प्रभाव राज्य की राजनीति पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है।